सोशल मीडिया में नृत्य करती हुई 17 वर्षीय अद्रिना प्रधान नामक एक लड़की के वीडियो ने सिक्किम के लोगों का दिल जीत लिया है। चौदह जुलाई को लड़की की मां ने फेसबुक पर अपनी बेटी का वीडियो अपलोड किया था जो कि वायरल हो चुका है और एक ही हफ्ते में अब तक 3 अरब लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। इस वीडियो को 63,000 लोगों ने लाइक किया है जबकि 27,000 लोगों ने इसे शेयर किया है। अद्रिना अब सोशल मीडिया की सेलिब्रिटी बन चुकी है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अद्रिना को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रशंसा मिल रही है। भारतीय डांसर, कोरियोग्राफर और एक्टर राघव जुयाल ने भी अद्रिना से संपर्क किया है। अद्रिना ने नृत्य का कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं लिया है, वह रियलिटी शो में हिस्सा लेना चाहती है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने गुरुवार को मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की और शिक्षकों की भर्ती में एक बार छूट देने की मांग रखी। न्यूज 18 असम नॉर्थ ईस्ट को मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ने उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया है। राज्य में शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा काफी संवेदनशील मुद्दा है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 10,323 शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया था। पूर्व की वामपंथी सरकार ने बगैर टेट परीक्षा का आयोजन किए तथा बगैर किसी पेशेवर डिग्री के इन शिक्षकों को नियुक्ति दी थी। इसी वजह से पहले त्रिपुरा हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया था। मुख्यमंत्री ने धर्मनगर और उदयपुर में 2 केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने और अम्बासा के केंद्रीय विद्यालय को उन्नत करने की भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष मांग रखी है। हमने रिलैक्सेशन के लिए पहले हमारे शिक्षा मंत्री महोदय ने एचआरडी मिनिस्टर के पास भेजा था, तो हमें कल उनसे मुलाकात की और हमने उनको निवेदन किया, आपने बोला था रिलैक्सेशन दे देंगे, कुछ अभी तक हुई नहीं है और मैंने इनका सदिच्छा देखा, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला है मंगलवार तक ये हो जाना चाहिए, इसमें किंतु परंतु कुछ होना नहीं चाहिए। तो मंत्री जिस दिशा से त्रिपुरा के लोगों को ये बात बोला है तो हमें आशा करता हूँ मंगलवार व बुधवार तक ये हो जाएगी रिलैक्सेशन का जो है विषय। अगरतला के बाहर खैरपुर इलाके में शुक्रवार से खर्ची पूजा का आयोजन किया गया है। एक सप्ताह तक चलने वाली इस पूजा में 14 देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाएगी। गुरुवार की रात को हावड़ा नदी के राजघाट पर चंताई यानी मुख्य पुरोहित ने कुछ धार्मिक अनुष्ठान किए, उसके बाद पूजा शुरू की गई। धार्मिक अनुष्ठान के बाद देवी देवताओं की मूर्तियों को मंदिर वापस लाया गया और उन्हें सिंदूर से नहलाया गया। इसके बाद हजारों भक्तों की उपस्थिति में 108 पशुओं की बलि चढ़ाई गई। दशकों से त्रिपुरा सरकार खर्ची पूजा के खर्च का वहन करती आई है। शांतिपूर्वक पूजा के आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। श्रद्धालुओं के लिए परिवहन समेत अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। लगातार 25 वर्ष तार आगे 10 वर्ष 35 वर्ष त्रिपुरा ते धर्म छिल ना राज धर्म छिल तार अपमेखा देया होतो आ तार कारणे महिला देर उपरे निर्यातन समाज व्यवस्थार मध्ये अधपतन नेशाग्रस्त युवा समाज बेकारत्व एगुलो जन्म कोथा थेके एसेछे एकदिने हय ना धर्म ना पालन करार कारणे सेटाई आज से यहाँ पे चतुर्दश देवता यानी खर्ची पूजा शुरू हो गई है। त्रिपुरा में लोग मानते हैं खर्ची त्रिपुरा के कुल देवता है और ऑर्गेनाइजरों का दावा है इस साल भी लाखों की तादाद में लोग आएंगे यहाँ पे अपना पूजा देने, अपना श्रद्धा दिखाने के लिए।
शनिवार से पलजो स्टेडियम में सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन प्रीमियर डिवीजन एस लीग 2018 शुरू होने जा रहा है। राज्य से कुल 8 टीमें इस लीग में हिस्सा ले रही हैं। ये टीमें हैं यूनाइटेड सिक्किम एफसी, स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी, पैक्योंग यूनाइटेड एफसी, सिक्किम हिमालयन एससी, यूनिकॉर्न एफसी, साई नामची बॉयज क्लब, गैंगटॉक और आक्रमण 11। इस बार किसी भी मैच में स्थानीय रेफरी नहीं होंगे। लीग की दो शीर्ष टीमें आगे इंडिपेंडेंस कप और गवर्नर्स गोल्ड कप में हिस्सा लेंगी। हाम्रो पनि कुनै पनि लिगहरू टुर्नामेन्टहरू गर्नु अघि अब जति पनि स्टेक होल्डर्सहरू छ जो इन्भल्भ छ उहाँहरूसँग हामी बसेर यसमा चर्चा परिचर्चा गर्ने हाम्रो सिस्टमै छ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ जुनको 70 तारिकको दिन